हाय दी, तुम्हारी वीडियो थोड़ी बात करोगे प्लीज। क्यों, सुबह सुबह क्या हुआ? सुबह सुबह मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। क्यों? बेसिन को गंदा किया था, इसलिए मम्मी ने मुझे बाहर के बेसिन को यूज करने के लिए मना किया है। तो मैं क्या करूं? तुम मेरे कमरे के लिए एक बेसिन खरीद के दो ना प्लीज। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। प्लीज दी, कुछ करो ना प्लीज। ठीक है चल, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, उससे तुझे मैं बेसिन बना के दूंगी। ठीक है दीदी, रहने दो, 100 रुपए में क्या होगा। चल तुझे मैं दिखाती हूँ उससे कैसे होता है। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज लक्स एंड वेलकम टू लक्स ऑन द वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो में मैं आपको आपके कमरे के लिए सिर्फ 100 रुपए में बेसिन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस बेसिन को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक कैंडल और माचिस, एक कैंची और एक नाइफ, एक 1.5 फीट लंबाई वाले इस तरह के नल, एक इस तरह के प्लास्टिक कप और एक थोड़ा सा बड़ा साइज का टब। सबसे पहले नाइफ को मोमबत्ती के आग में गर्म करके टब के मिडिल पोर्शन पे इस तरह से होल्ड कर लीजिए। अब इस तरह के एक पाइप लीजिए, इसके बाद कप के नीचे वाले हिस्से को पाइप से ज्वाइन कर लीजिए। अब होल को मिडिल पे रख के इस टाप के पीछे वाले हिस्से में इस कप को ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए कोई अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा लेके उसे आग में से मेल्टर करके कप और टाप को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए कितना मजबूत सा बेसिन तैयार है ना दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इसे ज्वाइन करने के लिए आप मेल्टर प्लास्टिक ही यूज़ करना, कोई गम मत यूज़ करना, क्योंकि फिर इतना मजबूती नहीं आएगी। अब आपको चाहिए होगा इस तरह के एक प्लास्टिक या स्टील का बाकेट। अब हमारे प्लास्टिक टब को इस तरह के कोई टेबल के ऊपर रख देना है। इस तरह का पुराना फिल्टर हमारे सबके घर में तो होता ही है, तो बस इसमें ही हफ्ते में एक दिन पानी भर के रखो और एज ए बेसिन यूज़ कर लो। आप चाहो तो इसके ऊपर के हिस्से को काट के इसमें बाहर से जब चाहे पानी डाल के ढक्कन से ढक के रख सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, हमारे बनाए हुए 100 रुपए वाले प्लास्टिक बेसिन तैयार है। खास ध्यान रखिए दोस्तों, इस टैप के नल टेबल के नीचे रखे हुए बाकेट के अंदर अच्छी तरह से जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा स्वीट सा प्लास्टिक बेसिन पूरी तरह से तैयार है। आप भी इसे बना के यूज कीजिए और मुझे बताइए कितना मजा आ रहा है आपको। मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस चैनल पे मैं बहुत सारे नए नए चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपके जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं लक्स मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।